फ्रेंड्स, तो आज मैं आपसे इजी चिकन करी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसकी काफी व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी। ये चिकन करी हम बेसिक मसालों से बनाने वाले हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और स्पेशली बैचलर्स को तो ये काफी पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को पक्का पक्का सब्सक्राइब कीजिए। हाय फ्रेंड्स, दिस इज नेहा, वेलकम टू डेजर्ट मसाला, योर प्लेस टू लर्न अमेजिंग रेसिपीज। सो लेट्स गेट रेडी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा कटोरी तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद फिर इसमें डालेंगे 3 बड़े बारीक कटे प्याज और इन्हें ट्रांसल्यूसेंट होने तक पका लेंगे। नॉनवेज करी इसमें प्याज का यूज ज्यादा होता है, पर अगर आप ज्यादा प्याज खाना पसंद नहीं करते हो तो आप यहाँ 3 के जगह 2 प्याज का भी यूज कर सकते हो। बीच बीच में प्याज को घुमाते रहिए ताकि ये अच्छे से तेल में मिक्स होते रहे और नीचे से जले नहीं। तो जब तक प्याज पक रहे हैं तब तक हम मसाला पेस्ट बना लेते हैं। अब एक सिलपत्ते में डालेंगे 8-9 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक, 1 टीस्पून जीरा और कुछ धनिए के पत्ते। इन सबको अच्छे से कूट लेंगे। यहाँ आप इस प्रोसेस को मिक्सर में भी कर सकते हैं, पर कूटे हुए मसालों का टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए, ये मसाला अच्छे से कूट के रेडी है और प्याज भी अच्छे से पक गए हैं। तो हमें इस मसाले को प्याज में डालकर इसे मिक्स कर लेना है। इसे हमें तब तक पका लेना है जब तक अदरक और लहसुन का रॉ स्मेल निकल ना जाए। 2 मिनट बाद इसमें जाएगा 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप यहाँ 1 टीस्पून यूज कर सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून चिकन मसाला। यहाँ मैं रेडीमेड चिकन मसाला यूज कर रही हूँ, जो आपको किसी भी शॉप में इजीली मिल जाएगा। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद फिर इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा टमाटर। टमाटर को थोड़ा मिलाने के बाद इसमें आधा कटोरी पानी डालेंगे। पानी डालने से प्याज और टमाटर को गलने में आसानी जाएगी। और इसे ढक के 3-4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर थोड़े गल गए हैं। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। यहाँ मैंने आधा किलो ब्रॉयलर चिकन का यूज किया है। आप अपनी पसंद के कोई भी वैरायटी का चिकन इसमें यूज कर सकते हैं। चिकन डालने के बाद इसे अच्छे से मसालों में कोट कर लेंगे और इसे फिर से ढक के 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। दस मिनट स्लो कुक होने के बाद हम इसमें फिर से 1 टीस्पून रेडीमेड चिकन मसाला डालेंगे। फिर जाएगा 1 टीस्पून नमक। यहाँ मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, पर नमक आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। अब इसमें 1 ग्लास गर्म पानी डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, हमें इसमें पानी सिर्फ चिकन के पीसेस डूबने तक ही डालना है, क्योंकि कुक होते टाइम चिकन भी खुद का पानी रिलीज करेगा। इस रेसिपी में आप रेडीमेड चिकन मसाला की जगह कांदा लहसुन मसाला या फिर घर पे बना हुआ चिकन मसाला भी यूज कर सकते हैं, पर इस रेसिपी को थोड़ा इजी और क्विक बनाने के लिए मैं यहाँ रेडीमेड मसाला यूज कर रही हूँ। अब चिकन को ढक के 15-20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। 15 मिनट बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और कुछ बारीक कटा धनिया। धनिया से करी में टेस्ट बहुत उठ के आएगा, तो इसे आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो ये देखिए, हमारी बहुत ही कम समय में बनने वाली क्विक एंड टेस्टी चिकन करी बनके रेडी है। तो यहाँ मैं आपको एक पीस फोक से तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, परफेक्टली कुक हो गया है। तो आप इस करी को रोटी, चावल दोनों के साथ एंजॉय कीजिए।
और आपको ये चिकन करी कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और सब्सक्राइब वो तो अभी तक आपने कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिए।